काम का काम कोई फायदा कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। नक्शा में आपको बताना चाहता हूं, शुरू करो जम्मू कश्मीर से। मुफ्ती मोहम्मद सईद उनकी सुपुत्री वही उसी ने पीडीपी संभाली, ये परिवार की पार्टी नहीं तो क्या? उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला, उसके ऊपर शेख अब्दुल्ला का बेटा फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला, अब नया अब्दुल्ला आएगा, कोई और नहीं आएगा, उस पार्टी में वही अब्दुल्ला। ये कैसे होगा? आप पंजाब उठाइए, आप पंजाब उठाइए, शिरोमणि अकाली दल बड़े बादल साहब, छोटे बादल साहब, बाकी सब साहब, आप हरियाणा उठाइए, परिवारों की बात, आप हम उत्तर प्रदेश में किससे लड़ रहे हैं? समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी खत्म, कौन है समाजवादी पार्टी? मुलायम सिंह की पार्टी बेटा अखिलेश यादव, परिवार की पार्टी, हम बिहार में किससे लड़ रहे हैं? हाँ चलिए सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी बिजित्र का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। बिजित्र, जिस तरीके से आज यहाँ पर लोकसभा 2024 के लिए एक तरीके से बिगुल फूका गया है और जमकर आरोप प्रत्यारोप का यहाँ पर दौर चला है, काफी तीखे तीखे शब्दों के बाण जेपी नड्डा ने अन्य विपक्षी पार्टियों पर फेंके हैं, कहीं ना कहीं मेरा सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव में भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति थी, लेकिन क्या हकीकत रही उस दौरान, ये सब ने देखा, जग जाहिर है। तो क्या ऐसे समय में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र को साधने के लिए, या मैं यूं कहूं हिमाचल प्रदेश के चारों संसदीय क्षेत्रों को साधने के लिए, क्या अभी भी इसी तरह की रणनीति पर भाजपा आगे चलेगी? अगर इसी रणनीति पर भाजपा आगे चलेगी तो चुनौतियां उतनी ही बड़ी होंगी जितनी विधानसभा चुनाव के दौरान थी। विचित्र, जाशुन आपने जो सवाल किया है वो थोड़ा सा बिल्कुल, आप जो कह रही हैं कि क्या चुनौतियां उसी तरह से रहेंगी जैसे कि पूर्व में थी, माजी में जो चुनाव हुए हैं उसमें हुए हैं, जिस तरह से अभी हाल में अगर हम लोग देखें तो जब पूर्व में जयराम की सरकार थी तो उस दौरान जो है उपचुनाव हुए थे चार जगहों पर, तो चारों की चारों जगहों पर जो भाजपा चुनाव हारी थी। उसके बाद विधानसभा का चुनाव था, उसमें भी मिशन रिपीट का नारा दिया गया था, लेकिन वहां भी चुनाव हारी थी भारतीय जनता पार्टी। अभी हाल ही में नगर निगम शिमला के चुनाव हुए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जो वो चुनाव हारी है। बावजूद इसके उसमें भी यही नेतृत्व जो वो काम करता था, यही नेतृत्व मंच से इसी तरह की भाषणबाजी किया करता था, उसी तरह से नीत और नीति की बात किया करता था, लेकिन आज क्योंकि साल 2024 में होने वाले आम चुनाव हैं और आम चुनावों में जाहिर सी बात है कि बात जो है वो केंद्र की होने वाली है, और केंद्र सरकार ने अभी अपने कार्यकाल के दौरान क्या कुछ किया है, क्या हिमाचल प्रदेश के लिए किया है, वो बताना यहां पर लाजमी हो जाता है। तो उसी बात को रखने के लिए कहीं ना कहीं जो है हम यहां देख पा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो अपने 3 दिवसीय दौरे पर जो है वो हिमाचल प्रदेश की इस देवभूमि में पहुंचे हैं, और जिसका शंखनाद जो नूरपुर से किया गया वो भी एक स्ट्रेटजी के तहत किया गया है, इसलिए क्योंकि गुजरे जो 6 महीने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के, उसमें देखा है कि कांगड़ा की अनदेखी कहीं ना कहीं उसके आरोप जो है वो उनके ऊपर लगते रहे हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम ये भी देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रेटजिकली जो है वो कांगड़ा को चुना है और कांगड़ा से ये शंखनाद किया है, और कांगड़ा में आकर उन्होंने अपनी उन तमाम बातों को गिनाया है और साथ ही साथ अपने 9 साल के कार्यकाल और गुजरे जो बाकी के कार्यकाल थे बाकी सरकारों के उनका कंपैरिजन यहां पर किया है। उन्होंने यहां पर साफ तौर पर यह कहा है कि जो 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में देश ने दुनिया भर में तरक्की की है वो तरक्की पूर्व में नहीं हुई है, अगर हुई भी है तो उसका मार्जिन बहुत जमीन आसमान का अंतर है उस मार्जिन में। उन्होंने कहा कि सन 60 के दशक में जो है भारतीय जनता पार्टी एक निश्चय करने वाली पार्टी, और उन्होंने वो जो निश्चय उन्होंने किया है वो तमाम निश्चयों को अपने मंजिल तक पहुंचाती है। जैसे उन्होंने कहा कि सन 60 के दशक में अणु परमाणु की हकीकत को उन्होंने साकार करने का एक संकल्प लिया था और उसको जो है पूर्व की जो सरकारें थी उस पर काम नहीं करती थी, बकायदा उसकी अवहेलना किया करती थी, लेकिन 80 के दशक में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी उन्होंने इसका सफल परीक्षण किया। उन्होंने यह भी कहा कि इसी कांगड़ा के पालमपुर में जो है राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया भारतीय जनता पार्टी ने, और आज देखिए तो राम मंदिर का ना केवल निर्माण चल रहा है बल्कि उसकी आधारशिला रखी जा चुकी है, तमाम लड़ाइयां जीत चुके हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी जिक्र किया कि 70 सालों में जिस तरह से पूर्व की सरकारों ने 74 एयरपोर्ट बनाए थे
पूरे देश भर में। आज 9 सालों में 74 एयरपोर्ट जो है खुद प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बने हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा है कि किस तरह से आज प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जब जाने का उनका कार्यक्रम शेड्यूल बनता है तो वहां के जो प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो किस तरह से उनकी तैयारियों को लेकर और उनके आगमन को लेकर जो है उत्साहित होते हैं। बाकायदा उन्होंने उनका जिक्र भी किया है कि आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहते हैं कि यू आर द बॉस। उन्होंने कहा कि पपुआ गिनी के न्यू गिनी के जो प्रधानमंत्री वो पैर छूकर अभिवादन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बाया सिडनी होते हुए पपुआ पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि किस तरह से ब्रिटेन के जो पूर्व में जब राष्ट्रपति थे कैमरून वो ये कहते थे कि एक दिन जो है वो ब्रिटेन में भारत के मूल का जो है वो राष्ट्रपति होगा। तो आज जो है भारतीय मूल का राष्ट्रपति जो है वो ब्रिटेन में है, यानी जिस ब्रिटेन में 200 साल तक इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों की उपलब्धियां हैं उन्हें जनता के सामने रखा गया है जेपी नड्डा द्वारा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव में भी हमने कमोबेश इसी तरीके की भाषणबाजी देखी थी। मेरा सवाल महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हिमाचल की जनता एक अलग सोच के साथ, एक अलग नैरेटिव के साथ वोट करती है। मैं गलत नहीं हूं तो ये महाजनसंपर्क अभियान केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ किस तरीके से जनता तक पहुंच रहा है उसके बारे में है। हिमाचल की जनता तक केंद्र की योजनाओं का लाभ किस तरीके से पहुंच रहा है, क्या इसका भी जिक्र हुआ है कहीं? देखिए किस तरह से हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो 10 लाख करोड़ का जो है वो उसका खर्च यहाँ पर भी हुआ है। यानी चाहे हम लोग फोरलेन की बात करें, चाहे हम लोग एयरपोर्ट विस्तारीकरण की बात करें, चाहे जो सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रस्तावित जितनी भी योजनाएं हैं जो छात्र पर यहाँ पहुंचती है, जिस तरह से उन्होंने सबसे हाईएस्ट रेलवे लाइन की बात करी उन्होंने जो की बिलासपुर से होकर ले तक जाएगी, तो उसका जिक्र उन्होंने किया कि वो भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार द्वारा ही वित्त पोषित है। तो इसके साथ उन्होंने कहा कि हर लिहाज से चाहे केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं वो हिमाचल प्रदेश में पहुंच रही है। पहले जो पूर्व की सरकारें होती थी वो कहती थी कि बॉर्डर पर जो है सीमाओं पर जो है रोड नहीं बनाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा है कि बॉर्डर पर भी जो है इनकी ओर से जो है यानी लगातार यहाँ पर जो है वो 13,000 समथिंग किलोमीटर जो है बॉर्डर पर रोड का निर्माण इनकी ओर से महज 9 सालों के कार्यकाल में किया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों तक जो है वो केंद्र की ओर से जो वो सड़कें पहुंचाई गई है प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत, और भी कई बातों का उन्होंने जिक्र किया है कि इतनी सारी योजनाएं जो है जो कि केंद्र द्वारा वित्त पोषित आयुष्मान भारत योजना का उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। तो तमाम सारी योजनाएं जनता तक